Hello everyone. My name is Nas, and I welcome to you in my channel Nas Parshala. So today I'm going to take one more interesting story, and through this English story, you will learn tenses, vocabulary, pronunciation, and how to do perfect reading. So without wasting time, let's start. मिसिंग फ्रेंड एक ऐसा दोस्त जो गुम हो गया है सो लेट सी इन अ फार ऑफ प्लेस देर लीव सेवन मैन वन डे दे डिस टू लीव होम एंड गो आउट इन टू द वर्ल्ड टू सिक देयर फोर्चून आफ्टर वर्किंग इन द होट सन फॉर सम टाइम दे सेट डाउन टू रेस्ट इन द सेट ऑफ अग बेनियन ट्री सो so, बहुत दूर जो है जगह है जहाँ पर कोई सात जो है लोग रहा करते थे एक दिन उन्होंने डिसाइड किया निश्चय किया कि वो अपना घर छोड़कर जो है अपना भाग्य आजमाने के लिए पूरी दुनिया में जाएंगे सिख मतलब ढूंढने के लिए अपना जो है आजमाना भी कहा जाता है तो अपने भाग्य को आजमाने के लिए वो जाएंगे और फिर थोड़ा दूर चलने के बाद क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी सूरज बहुत ज़्यादा गर्म था तो कुछ समय में ही वो थक गए तो उन्होंने सोचा क्यों ना थोड़ा बहुत आराम किया जाए तो उन्होंने जो है एक जो छाव है बनियान चिरी के नीचे जो है वहाँ पर बैठ गए आराम करने के लिए उसकी छाँव में क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप थी इसीलिए सडनली वन ऑफ लुक्ड एट द अदर्स एंड सैड आर वी ऑल हिअर नो बडी सभी ने अचानक ही जो है ये कहा एक दूसरे को देखते हुए क्या सभी हम यहाँ पर हैं और किसी ने भी जवाब नहीं दिया हुए इज मिसिंग प्लीज पुट अप योर हैंड ही सैड नो बडी अप इज हैंड बट ही वॉन्टेड टू बी श्योर किसी ने भी आखिर कौन मिसिंग है प्लीज जो भी मिसिंग है जो भी गायब है वो अपना हाथ खड़ा कर ले उसने ऐसा कहा लेकिन किसी ने भी हाथ खड़ा नहीं किया लेकिन वो फिर भी जानना चाहता था श्योर करना चाहता था कि वाकई में हम सभी सेवन यहाँ पर मौजूद हैं भी या फिर नहीं है ही टर्स ईच मैन ऑन हिज हैड एंड काउंटेड

ही काउंटेड ईच मैन बाई प्लेसिंग अ पाम ऑन ईच वन चेस्ट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सो सेकेंड वाला इंसान जो है काउंट करता है केलू को मैं काउंट करता हूँ और वह सभी की जो हथेलियाँ हैं हथेली जैसे कहते हैं ना रेज हैंड करना है इस तरीके से हाथ खड़ा करके तो उसने सभी की पाम को गिनना शुरू किया हथेलियों को उसके चेस्ट पर हाथ लगा के ओके वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स से, हम में सभी में से एक गायब है उस थर्ड इंसान ने कहा वी मस्ट सर्च फॉर हिम हमें उस इंसान को ढूंढना चाहिए सो द सेवन मैन स्टार्टेड सर्चिंग फॉर देयर मिसिंग फ्रेंड। सो सभी जो है उसे ढूंढने के लग गए क्या कि वो सातवां इंसान हो है कौन और कहाँ है दे सर्च बिहाइंड बुशेज इन द टोल ट्रीज बट कूड फाइंड द लॉस्ट मैन उन्होंने जो है झाड़ियों के पीछे देखा बड़ी लंबी घास के पीछे देखा पेड़ों के पीछे देखा लेकिन वो गुम हुआ आदमी उन्हें कहीं पे भी नहीं मिला ए फार्मर कैम अप द रोड राइडिंग अ डंकी एंड विस्लिंग मेरिलिंग ही स्टॉप्ड व्हेन ही सो द मैन रनिंग अराउंड ही लुक्ड एट देम फॉर सम टाइम एंड देन आस्क व्हाट आर यू लुकिंग फॉर वहां से एक जो है किसान का गुजरना हुआ वो जो है अपने डंकी को जो है गधे को जो है शेर करवा रहा था और सीटियाँ बजा रहा था बड़ा खुश होते हुए मैरीली मतलब खुश होते हुए सीटियाँ बजा रहा था तो वो वहां रुका और उसने उन पर्सन को दौड़ते भागते हुए इधर उधर जाते देखा ऐसा लग रहा था मानो वो कुछ सर्च कर रहे हो आखिर उसने कुछ वक्त रुक कर ऐसा पूछा कि आप यहाँ पर क्या ढूंढ रहे हो All the seven men started talking together. The farmer laughed If all of you speak together, तो सभी सातों आदमी जो है एक दूसरे से बातचीत करने लग गए तो फार्मर मुस्कुराया बोला अगर सभी एक साथ ही अगर आप लोग बोलोगे I can hear इज noise. Why don't one of you tell me what's the matter is? तो उसने कहा अगर आप सभी एक साथ बोलेंगे तो मैं आपके लोगों की आवाज कैसे समझ पाऊंगा सो प्लीज एक पर्सन बताइए आखिर बात क्या है ऑल ऑफ साइलेंट अदर अगेन द मैन क्लोजिड टू हिम ही सैट यू टेल बे उसके बाद सभी चुप हो गए और एक दूसरे का मुंह देखने लग गए उसके बाद फार्मर ने फिर कहा हंसते हुए एक इंसान की तरफ इशारा करते हुए जो उसके पास में था बोला अच्छा बताओ तुम बताओ क्या हुआ When we started from home, there were seven of us, but we lost one of our friend on the way. We can only count six of us. He said, his eyes filling up with tears. Is that all? उसके बाद जब हम घर से निकले थे तब हम सात थे लेकिन हमने रास्ते में हमारे एक फ्रेंड को खो दिया जब हम रास्ते में आए तो हमने एक अपने फ्रेंड को खो दिया और जब हमने भी काउंट किया तो हम सिक्स ही हो रहे हैं सो so, ये कहते हुए उसकी आंखें जो है आंसुओं से भर गई ये सब कुछ हुआ था द सेवन मैन वर ऑफन डेड बी लॉस्ट डियर फ्रेंड एंड यू एक्ट एज अ दो दैट इज नथिंग तो वो सातों आदमी एक्चुअली वो सेवन ही थे लेकिन जब आप काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स दूसरों को काउंट करोगे तो सिक्स ही होगा आप तो सेवन हो आपने खुद को तो काउंट किया ही नहीं सेवन तो वो हैं ही लेकिन वो सारे के सारे बेवकूफ़ हैं सो so, सारे सेवन मेन जो है परेशान और दुखी थे कि उन्होंने अपने एक दोस्त को खो दिया और यही उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है द फार्मर रिप्लाइड प्लीज़ डोंट बी एंग्री आई विल हेल्प यू फाइंड हिम तो फार्मर ने जो है रिप्लाई किया प्लीज़ तुम गुस्सा मत हो परेशान मत हो मैं तुम्हारी मदद करूँगा उसको ढूंढने में द सेवन मैन spoke अप एंड स्पोक Please प्लीज फाइंड हिम us. तो सातों आदमी जो है बड़े खुश होते हुए उनकी आंखें चमकाती हुई जो है एक साथ ग्रुप के अंदर बोले कोरस मतलब ग्रुप में जब हम एक साथ कोई बात बोलते हैं तो ग्रुप में एक साथ बोले प्लीज जल्दी से उसे हमारे लिए ढूंढ दीजिए द फार्मर मेड ऑल ऑफ दाम स्टैंड इन अ रो facing him, than stepping in front of each each man, he pointed each man's chest and counted loudly farmer line खड़ा कर दिया पंक्ति के अंदर और सभी को बोला मेरी तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ उसके बाद उसने जो है सभी की चेस्ट को काउंट किया बहुत तेजी के साथ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन The men gave a shout of joy. They thumped each other on the back and cried, "He is back! He is back! Our friend is back!" सो so, उस इंसान ने जो है तेजी के साथ चिल्ला कर कहा कि हम जो है जीत गए आखिर जो है हमारा जो फ्रेंड्स था वो एक दूसरे की बैग को थप थपाते थप हुए कमर को थप थपाते थप हुए बोले अरे वो वापस से आ गया वापस से आ गया हमारा दोस्त वापस से आ गया विद ग्रेट one वन ऑफ turned to टू द फार्मर said, "You are the wisest of us all." So सभी ने उसका बड़ा रेस्पेक्ट किया फार्मर का और एक दूसरे के टर्न होते हुए आगे की तरफ फार्मर के पास आए और बोला अरे तुम तो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो बहुत ज्यादा होशियार हो हम सभी में से बहुत ज्यादा होशियार हो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर फाइंडिंग our लॉस्ट फ्रेंड इन रिटर्न वी विल वर्क फॉर यू फॉर वन मंथ विदाउट टेकिंग एनी उसके बाद उन्होंने जो है कहा हम बहुत ही जो है आपके जो है कहते हैं ना ऋणी है जिसे कहते हैं बहुत शुक्रगुजार हैं हम आपके कि आपने हमारे खोए हुए दोस्त को लौटा दिया तो इसके बदले में हम आपके लिए जो है एक महीना काम करेंगे और वो भी बिना पैसे या मजदूरी के वेजेज मतलब मजदूरी के द फार्मर वॉज डिलईटेड और वो फार्मर जो था बहुत ज़्यादा खुश हो गया दिस इज़ द बेस्ट बार्गेन आई हैव गोट इन अ लॉन्ग वाइल ही सेट टू हिमसेल्फ एंड स्म उसके बाद वो फार्मर अपने आप में मन में बहुत ज़्यादा मुस्कराया कि ओह ये देखो ये सबसे अच्छा सौदा होता है बार्गेन मतलब सौदेबाजी करना तो ये दुनिया की सबसे अच्छी सौदेबाजी है जो मैंने अभी तक जीती है और वो अपने आप में उसने भी बात बोली और बहुत ज़्यादा मुस्कुराया तो एक्चुअली ये थे तो सेवन ही लेकिन सारे के सारे बेवकूफ़ थे कि जब भी किसी को काउंट करते थे तो जैसी बात है हर इंसान अगर किसी को भी काउंट करेगा तो वो उतनी ही काउंटिंग होगी अगर वो खुद को काउंट नहीं करेगा तो इन्होंने सभी की काउंटिंग की लेकिन अपने आप की नहीं की और बेवकूफ़ों ने यह मान लिया कि हम में से एक मिसिंग है सो so, इसीलिए कभी भी अगर हम लाइफ में कोई भी काम करते हैं तो उसे रिलैक्स होकर करना चाहिए अपना माइंड यूज़ करके करना चाहिए डोंट ट्राई टू डिपेंड ऑन एनी पर्सन आप लाइफ में कभी भी किसी पर्सन से डिपेंड ना हो क्योंकि गॉड ने हमें बहुत अच्छा माइंड दिया है सोचने और समझने के लिए अच्छा और बुरा करने के लिए तो हमेशा हमें उसे यूज़ करके और अपनी काबिलियत को परखना चाहिए अपने आप को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए watching if you like my videos please hit the bell icon for more updating videos like share comment and subscribe my channel nasparshala thank you take care and be safe at home